हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज दूसरी क्लास है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर अर्थात रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत होता है और इससे रिलेटेड कई टॉपिक हैं जो हमें इसमें करने होते हैं, कुछ आंकिक भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। तो इसमें देखिए क्या है कि एक हमारे पास ये स्ट्रेट वायर है और इसमें जो करंट है वो आई है और मान लीजिए ये हमारे पास जो वायर है वो एक्स वाई वायर है मान लिया है। हम क्या करते हैं इसमें कि ये देखिए ए डिस्टेंस पर यहाँ से ये कोई पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये डीएल एलिमेंट है और यहाँ से यहाँ तक हमने जो लेंथ कंसिडर की है वो एल की है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एलिमेंट है डीएल है और इस एलिमेंट की वजह से इस पर हमें पी पर फील्ड देखनी है, और ये जो एलिमेंट है जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है यानी कि थीटा कोण बना रहा है, ये एलिमेंट है। और ये जो ये एंगल है ये हमारे पास में ये फाई है, फाई इसकी जो शुरुआत है वो हमारे पास में बायोट सेवर्ट लॉ से है यानी कि बायोट सेवर्ट का नियम वो हम जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस ट्रायंगल की हेल्प से डीएल की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे और आर स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कितना हमारे पास 90 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई यानी कि ये थीटा है ये फाई है, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरह से थीटा प्लस फाई निकल के आएगा वो 90 डिग्री आएगा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा 90 माइनस फाई। अब यहाँ क्या है हमारे पास में साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास में साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई कितना होता है कॉस फाई। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, ये हमारे पास आर, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में बी पी ये आर है, तो अगर हम इसमें कॉस फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, तो यानी कि ए अपॉन आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई ए अपॉन कॉस फाई, और 1 बटे कॉस फाई कितना होता है सेक फाई, तो हो जाएगा ए सेक फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई आर की, लेकिन यहाँ क्या हमारे पास में आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब हमारे पास में देखिए आर स्क्वायर आ चुका है, साइन थीटा आ चुका है, क्या बचा है डीएल, तो डीएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन फाई का, टेन फाई कितना होगा एल अपॉन ए, या एल होगा ए टेन फाई। आप क्या करेंगे डीएल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, ये हमारे पास में डीएल की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज जितनी भी हमने कैलकुलेट की हैं या निकाली हैं हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देयर फोर जो डी वी निकल के आएगा हमारे पास में वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल के प्लेस पर ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, और साइन थीटा के प्लेस पर आएगा हमारे पास में कॉस फाई, और नीचे आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई। तो आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और एक ए से एक के कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ आएगा निकल करके कॉस फाई और डी फाई, ये है हमारे पास में डी बी। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, केवल इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, लेकिन हमारे पास क्या है ये पूरा कंडक्टर है एक्स वाई, इसीलिए क्या करेंगे हम इसको इसको ज्वाइन कराएंगे, इसके जो एंड्स हैं वहाँ से इनको हम इस तरह से ज्वाइन करा रहे हैं, और ये एंगल मान लिया हमने ये कितना है 5 है, और ये वाला जो बना रहा है ये कितना एंगल है वो मान लीजिए 5 2 है, तो हम लिमिट लगाएंगे -5 1 से +5 2 तक। तो अगर हम पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से, माइनस के 5 1 से लेकर के प्लस के 5 2 तक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए कॉस फाई एंड डी फाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए क्या होगा,
इंटीग्रेशन करने से इसमें इसको डिलीट कर देते हैं, बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई अपॉन ए ये भी बाहर आ जाएगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, सो माइनस फाई वन से प्लस फाई टू लिमिट जाएगी, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ आएगा आई अपॉन ए, साइन फाई को ले सकते हैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस साइन माइनस का फाई वन, यानी कि लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का रूल है हम सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इसे ले सकते हैं साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये है हमारे पास में एक डेरिवेशन किसी लंबे रिजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कैरिंग करंट वायर या कंडक्टर। आप सोचिएगा अगर ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो यानी कि अनंत लंबाई का तार हो, तो अनंत लंबाई में जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी, अगर मान लीजिए यहाँ तक लंबाई कर दें इसकी, तो ये एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखिए ये इस तरह से एंगल बढ़ गया, पहले इतना था फाई वन अब इतना हो गया फाई वन, तो इसका मतलब कि जितना ये इसकी लेंथ बढ़ेगी उतना ये एंगल क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इन्फिनिटी के केस में यानी कि अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है यानी कि अनंत है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला एंड भी, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, इस तरह से मान के चलेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि इन केस ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग यानी कि अनंत लंबाई के कारण, यानी कि इन केस ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ना कंडक्टर, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में क्या होगा हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास जो फाई वन और फाई टू है उसकी वैल्यू क्या आएगी निकल करके, वो 90 90, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा हमारे पास में, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्लियर। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये कब है, ये तब है जब जो कंडक्टर है यानी कि जो चालक है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, तब हम इसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक इसमें केस और है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि परीक्षण बिंदु जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो एक एंड के पास है और दूसरा जो है एंड इनफाइनाइट है, यानी कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये वाला एंड तो इसका इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, तब इस केस में हमारे पास में ये जो एंगल है जो फाई टू है वो जीरो हो जाएगा और दूसरा जो एंगल फाई वन है वो आपका 90 हो जाएगा, तब फाई वन माना जाएगा इसमें 90 और फाई टू माना जाएगा जीरो इस केस में। तो सेकेंड केस बना हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, साइन 91, तो इस केस को हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज़ हम एम पी सर्किट लॉ में भी करते हैं, इसका यूज टू पैरेलल कंडक्टर्स में भी करते हैं और कई जगह इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे हैं और इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है।